इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसे हैकर की जिसने दुनिया के बेहतरीन और सिक्योर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को हैक किया। दुनिया इस हैकर के बारे में जानने के लिए आज भी बेताब है कि ये हैकर कौन है जिसने इसराइल और दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को हैक किया। क्योंकि आयरन डोम को हैक करना अकेले हैकर के लिए लगभग इम्पॉसिबल है, इस हैकर को यूनिक इसकी कहानी ने बनाया, क्योंकि आज तक इसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी। ये मुसाद और FBI के टॉप हैकर्स, जो कि मोस्ट वांटेड हैकर्स हैं, उनकी लिस्ट में शामिल है। इस हैकर का नाम उमर अलबलबसी है, जिसका ताल्लुक पैलेस्टीन से है। एक तुर्किश न्यूज़पेपर अल सबाह के मुताबिक ये इतना खतरनाक हैकर है जिसने अपने मोबाइल फोन से बहुत सारे हैकिंग अटैक्स परफॉर्म किए। ये हैकर दुनिया की नजर में तब आया जब इसने 2015 और 2016 में दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को हैक करने की कोशिश की। हुआ कुछ यूं था कि उमर ने 2015 और 2016 में दो बार आयरन डोम सिस्टम को हैक किया। दोनों ही बार उमर ने ये अटैक इसलिए परफॉर्म किया था कि उसने अल कासिम ब्रिगेड्स, जो कि हमास का एक सपोर्टिव मिलिट्री विंग है जो कि इसराइल पर हमेशा रॉकेट लॉन्च करता रहता है, उनकी मदद करने के लिए उमर ने आयरन डोम सिस्टम को हैक किया। उमर ने ये हैकिंग अटैक अपनी बेहतरीन स्किल्स, जो कि उसने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से हासिल की थी, अपनी उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया, जिसकी वजह से अल कासिम ब्रिगेड्स ने आसानी से इसराइल पर रॉकेट्स अटैक किए। उमर को उसके हैकिंग स्किल्स की वजह से ही बाकी हैकर से यूनिक माना जाता है, क्योंकि इतना हाई एंड और इतना बड़ा हैकिंग अटैक आज से पहले किसी भी अकेले हैकर ने परफॉर्म नहीं किया। क्योंकि इतना हाई रेटेड हैकिंग अटैक परफॉर्म करने के लिए हैकिंग ग्रुप की जरूरत होती है, मगर उमर के केस में उसने इतना बड़ा हैकिंग अटैक खुद अकेले ही परफॉर्म किया, जिसकी वजह से वो FBI और मुसाद की नजरों में एक मोस्ट वांटेड हैकर बन चुका था। बहुत से लोगों का मानना है कि इस हैकर को इसराइल की एजेंसी मुसाद ने ट्रैक करके एक खुफिया मकाम पर रखा हुआ है और बाद में इसे इसराइल डिपोर्ट कर दिया गया, मगर इस बात का वाज़े कोई भी सबूत नहीं दे सका कि क्या यह हैकर सच में पकड़ा गया या अभी तक इस हैकर को कोई पकड़ ही नहीं सका।